हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से नए वीडियो लेके आ चुका हूं गाइस, रियलमी के C53 डिवाइस के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक बना लगे गाइस, क्या अपने फ़ोन में LYSO आइकॉन इन वाइब्रेट मोड को गाइस कैसे इनेबल करेंगे, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर गाइस आपके फ़ोन में अगर ऑल टाइम के लिए अगर गाइस आइकॉन शो हो रहे हैं, देन आपके फ़ोन में उस आइकॉन को शो होते टाइम गाइस वाइब्रेट मोड अगर नहीं आ रहा है, तो आप उस सेटिंग को कैसे इनेबल करेंगे, हम आपको बताएंगे किस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग ऑन करेंगे। अब गाइस आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है, अगर आप नीचे में स्क्रॉल करते हैं तो साउंड एंड वाइब्रेशन का, अब इस पर क्लिक करेंगे, देन आपको नीचे में स्क्रॉल डाउन करना है। एंड गाइस आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है फोर्थ नंबर पे LYSO आइकॉन विन वाइब्रेट मोड का, अब इस पर गाइस क्लिक कर लेंगे। अब आपके फ़ोन में गाइस जब भी आइकॉन शो हो गए यानी कि ऑल टाइम के लिए, तो गाइस आपको यहाँ पे देखिए जो वाइब्रेट मिल जाएगा वाइब्रेशन मोड। तो सिंपली गाइस आप इस प्रकार से अपने फ़ोन में आइकॉन्स के लिए वाइब्रेट मोड को इनेबल कर सकते हैं यहाँ से, जो कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया है। तो सिंपली आप इस प्रकार से कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक ले बाय।